नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आपने पिछला एपिसोड सुना है ना, राज और सुहानी के बीच जो तकरार चल रही है। सुहानी ने राज को किस तरह से हर्ट कर दिया और उससे दूरियां बनाई हैं। आप लोग जानना चाहते हो इसकी वजह क्या है जो इतना प्यार करने वाली सुहानी राज से ऐसे दूर हो गई और राज को खुद से दूर कर रही है। कोई तो वजह होगी ना। चलिए देखते हैं क्या होता है इनके प्रेम कहानी में, किस वजह से सुहानी ये सब कर रही है। तो सुनते हैं पार्ट नंबर 32, सुहानी क्यों दूर हो गई राज से। सुहानी की कार वहां से चली जाती है, लेकिन राज दूर से उस कार को उदास होकर देखते रहता है। आज पहली बार सुहानी ने उसे बहुत हर्ट किया था। उसे कुछ समझ नहीं आता आखिर हुआ क्या है, आखिर सुहानी ऐसा क्यों कर रही है, ऐसी बातें क्यों कर रही है, और कुछ भी तो नहीं बता रही, कौन सी बातें छुपा रही है। कार में बैठकर राज अपने फ्रेंड के घर चला जाता है, समीर के घर। समीर राज को देखते ही समझ जाता है कि राज का मूड खराब है। उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछता है, बोलो क्या बात है, क्या आज भी सुहानी ने तुमसे बात नहीं की। राज उसकी तरफ देखकर कहता है, अरे यार बात नहीं, दिल पर वार किए हैं वार उसने, आज घायल हो गया हूँ कसम से। और राज की आंखें भर आती है। समीर हैरान होकर उससे पूछता है, ये क्या, एक शेर की आंखों में आंसू, हुआ क्या है तुझे, बोल तो यार हुआ क्या है, सब कुछ बता दे। कुछ देर खामोश होकर राज सब कुछ बता देता है और कहता है, पहली बार सुहानी ने मुझसे ऐसी बातें की है और क्यों कर रही है, ये सब मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ, पूजा को भी कुछ मालूम नहीं। हम सब कितने सारे सीक्रेट मिशन पर काम करते आए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ। आज देखो ना, मैं हार सा गया हूँ, जैसे जैसे मेरी शक्ति किसी ने छीन ली। मेरा प्यार मेरी शक्ति है, उसके बिन मैं कैसे जी सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। राज कहता है, ना मैं उससे दूर रह सकता हूँ ना जी सकता हूँ, उसको बिना देखे बिना बोले मैं क्या करूँ। और ये बात उसे भी पता है मेरी तकलीफ के बारे में, वो भी महसूस कर रही होगी ना मेरा दर्द, फिर भी वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। जो भी प्रॉब्लम हो एक बार, सिर्फ एक बार ही कह देती। और राज खामोश हो जाता है। समीर कहता है, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुझे उसे देखना भी है तो देख लेना, और हाँ उसका ख्याल भी रखना है तो रख लेना, लेकिन तुम्हें उसके सामने जाना नहीं है, तुम्हें उससे छुप कर रहना होगा। तुम अपना गेटअप चेंज कर लो, अपनी कार भी। अरे इन सब बातों में तो तुम नंबर वन हो, लेकिन इस बार हुआ क्या है, तुम्हें इतना भी समझ नहीं आया, इतनी सिंपल सी बात है। सुहाने के आसपास भी रहना है, लेकिन राज बनकर नहीं, कोई और बनकर, समझ गए ना। अब ये देवदास वाला चेहरा चेंज कर लो। चलो अच्छा है देवदास जैसा शराब में नहीं डूबे हो, वरना तुझे संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता यार। समीर की बात पर राज को भी हंसी आ जाती। वो कहता है, नहीं यार मेरा प्यार इतना भी कमज़ोर नहीं कि मैं शराब में डूब जाऊँ, मैं उसी के प्यार में डूबा हुआ हूँ, किसी और नशे की ज़रूरत मुझे नहीं है, ना कभी पड़ेगी। और दोनों कॉफ़ी पीते हैं, वहाँ से निकलते। राज का मूड भी अब सही हो जाता है। सुहानी पूजा घर आते ही फिर से चुपचाप अपने रूम में चली जाती है। सुहानी के मम्मी पापा को भी अजीब लगता है, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे,
ऐसा क्या हो गया इनमें, ऐसा क्यों, इनमें क्या हुआ है ऐसा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। सुहानी की मम्मी खुद जाकर पूछती है, दोनों ठीक तो हो ना, ये क्या मुंह फुलाए हुए क्यों हो, दोनों में झगड़ा हो गया है क्या, अब क्या छोटे बच्चों जैसी एक दूसरे से कट्टी कर ली। इस बात पर भी दोनों कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। सुहानी की मम्मी कहती है, कई दिनों से तुम दोनों घूमने नहीं गए हो जॉब की वजह से, तो आज फ्रेंड के साथ घूम के आओ, तुम दोनों का मूड भी अच्छा हो जाएगा। इस बात पर दोनों भी एक साथ कहती है, नहीं हमें कहीं भी नहीं जाना है। तब सुहानी की मम्मी कहती है, तुम दोनों भूल गई हो क्या, आज तुम्हारी फ्रेंड प्रिया का बर्थडे है। दोनों के चेहरे पर खुशी आ जाती है, दोनों भी बिना कुछ बोले तैयार होने में लग जाते हैं। कुछ ही देर में दोनों भी रेडी हो जाती हैं, प्रिया के घर जाने के लिए निकलती है। प्रिया के घर पहुंचते ही पार्टी में दोनों का मूड चेंज हो जाता है, दोनों भी जमकर एंजॉय करती है। सब उनकी फ्रेंड वहां पर मिल जाती है, दोनों एक दूसरे से बातें भी करने लगती हैं। कुछ देर में दोनों घर आने को निकलती है, उनकी कार स्टार्ट होते ही दूसरी एक और कार स्टार्ट हो जाती है जो उनके पीछे पीछे चलती है। जब वो दोनों घर पर पहुंचती है तब दूसरी कार भी रुक जाती है। सुहानी और पूजा दोनों की नज़र उस कार के ऊपर ही होती है और वो दोनों डर जाती है, कोई उनका पीछा कर रहा है, शायद वही तो नहीं जो कॉल करता है, धमकी देता है। ये सोचकर तो सुहानी के पसीने छूट जाते हैं। दोनों भी जल्दी से घर में चली जाती है, दूसरी कार अभी भी बाहर रुकी होती है। अंदर जाते ही सुहानी पूजा से कहती है, तुमने देखा बाहर कोई हमारा पीछा कर रहा है, बहुत डर लग रहा है। पूजा कहती है, लेकिन हम लोग तो घर के अंदर हैं, तुम क्यों डर रही हो, और मैं कितने दिन से पूछ रही हूँ, कौन सी बात है जो छुपा रही हो, बोलो। सुहानी तुमने राज के साथ भी बहुत गलत किया है, अब बोलो भी क्यों कर रही हो ये सब। जवाब में सुहानी के आंसू निकल आते हैं, वो कहती है, मैं क्या करूं, राज की जिंदगी को खतरे में कैसे डाल दूं, दोबारा उसे कुछ हो गया तो मैं नहीं सह सकती, क्योंकि उसकी जिंदगी मुझे हर हाल में बचा लेनी है, उसे दर्द देकर क्या मैं खुश हूँ, मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे भी तो दर्द होता है। पूजा पूछती है, तुम क्यों नहीं बता रही हो, हम कल ही रात से सारी बात करेंगे, वो सब प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व कर देगा। तभी बीच में रोते हुए सुहानी कहती है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, राज को हम कुछ नहीं बताएंगे, नहीं राज को कुछ भी नहीं बताना है। तो दोस्तों ये था प्रेम रंग का पार्ट नंबर 32। हमने कहा ना, कोई तो वजह होगी, सुहानी जो राज से इतना प्यार करती है उसमें इतना चेंज आया है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला आखिर कौन सी बात है। तो थोड़ा सा इंतज़ार तो करना पड़ेगा ना पूरी बात जानने के लिए। अगले एपिसोड में मिलते हैं और जान लेते हैं सुहानी के इस बदले हुए तेवर के पीछे, बदले हुए अंदाज के पीछे, राज के प्रति नफरत जो दिखाई दे रही है उसके पीछे कौन सी वजह है। तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, हम फिर मिलेंगे, तब तक आप प्रेम रंग में रंगते रहिए।